हेलो एवरीवन, नाउ इन टुडे वीडियो वी विल टेक द PYQ नंबर 21। इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग इज 210 एंड इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज 140। इफ द इनपुट करंट इज 60 एम्पियर, द करंट इन आउटपुट एंड इन कॉमन वाइंडिंग आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए 40 एम्पियर 100 एम्पियर, ऑप्शन बी 90 एम्पियर 30 एम्पियर, ऑप्शन सी 90 एम्पियर 150 एम्पियर एंड ऑप्शन डी इज 40 एम्पियर एंड 20 एम्पियर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एक क्वेश्चन है तो ये किसके पर बेसिस है? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो यहाँ बोल रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग इज, तो हम बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग इज 210। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में बात करेंगे तो जो प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स हैं ये डिफाइंड है, इट्स 210 एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज 140। तो यदि हम बात करें तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स है वो कितना डिफाइंड है, दैट इज 140। इफ द इनपुट करेंट इज 60 एम्पियर, तो इनपुट करंट मतलब हम I1 मान लेते हैं, तो इनपुट करंट यहाँ पर कितना हो गया, दैट इज द 60 एम्पियर। ओके, द करंट इन आउटपुट एंड इन कॉमन वाइंडिंग आर रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली हमें आउटपुट करंट निकालना है, मतलब हमें आउटपुट करंट निकालना है, I2 निकालना है, और बोल रहा है कॉमन वाइंडिंग करंट, मतलब हमको कॉमन वाइंडिंग करंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए अब बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स डिफाइंड है बोथ साइड्स का, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड। तो नंबर ऑफ टर्न्स देख कर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेसिकली ये एक स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन। तो यदि मैं समझने के लिए यहाँ पर ड्रॉ करूँ, आई विल ड्रॉ एन ऑटो ट्रांसफार्मर टू अंडरस्टैंड। राइट नाउ सी, सो दिस इज बेसिकली एज पर द क्वेश्चन, द कन्फिग्रेशन गिवन इन द क्वेश्चन, वी कैन से द ऑटो ट्रांसफार्मर इज स्टेप डाउन। सो वी कैन से इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन द स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। राइट, सो हुज नंबर ऑफ टर्न्स यदि बात करें, प्राइमरी कितना बोल रहा है, इज 210, और सेकेंडरी में कितना बोल रहा है, इज सेइंग द 140। अब यहीं पर देखिए आप, जो प्राइमरी करंट है हमारा ये भी डिफाइंड है I1, वो कितना है, दैट इज़ अ 60 एम्पियर। तो बेसिकली हमको I2 बोल रहा है कि I2 की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी आप देखिए, अब हमको ये मालूम है यहाँ पर से कि स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है, मतलब V2 विल बी lesser than the V1 will be more than the V2, and we can say the I2 will be more than the I1. तो I2 will be more than I1। तो हमको अब ये मालूम है कि जो यदि I1 60 एम्पियर दिया हुआ है तो I2 जो होगा वो 60 एम्पियर से ज़्यादा होगा। I2 कितना होगा, 60 एम्पियर से ज़्यादा होगा। तो यहीं पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में पहले बोला है कि करंट इन आउटपुट, हमें सबसे पहले निकालना है कि आउटपुट करंट। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में चूंकि पहले में 40 एम्पियर दिया हुआ है तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ से आइडेंटिफाई डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि ऑप्शन ए और डी तो नहीं होगा। अब बी और सी में से कोई एक हो सकता है क्योंकि दोनों में 90 एम्पियर है। तो अब हमको ये भी मालूम हो चल गई एक प्रकार से कि जो करंट I2 है वो कितना है, 90 एम्पियर है, लेकिन कॉमन वाइंडिंग करंट हमको नहीं मालूम है। राइट, तो आप देखिए हमको कैसे हम निकालेंगे 90 एम्पियर। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स यदि डिफाइन है तो हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकाल सकते हैं, तो इट इज़ डिफाइन एज द N2/N1। सो वी कैन डिफाइन दिस इज गिवन एज द 140/210। इज डिफाइंड हाउ मच, इट इज़ डिफाइंड एज द 140/210। राइट, एंड ऑल्सो we can say that from here that we can find the I2. So we can find the I2 or the transformation ratio. Okay, so
this will be how much? So we can find this will be given as the I1 by K. So I1 is how much? Is 60, and K is how much? 140 by 210. So next we will solve it. So this is become how much? So this become the 60 into 210 divided by 140. Okay. So further we'll solve this. So how much we'll get? We'll get here, we can say this will be and this will be 30. So this is coming how much? 90. So we can say the I2 is how much? The 90 amperes. So we have got the I2 is how much? So I2 will be 90 ampere. ठीक है, अब हमको सेकेंडरी करंट मालूम चल गया. ठीक है, अब यदि हम बात करें कि कॉमन वाइंडिंग में करंट कितना होगा. ओके, इन द कॉमन वाइंडिंग, ये देखिए आप यहाँ पर, यदि ये 60 एम्पियर है करंट यहाँ पर, ठीक है, तो कॉमन वाइंडिंग पे करंट कितना जाना चाहिए? दिस विल बी हाउ मच? तो डायरेक्टली सिंपली बाय अप्लाइंग ए केसीएल वी कैन फाउंड इट हैज़ टू बी 30, देन 30 प्लस 60 बिकम 90. सो डायरेक्टली वी कैन से दैट द कॉमन वाइंडिंग करंट विल बी हाउ मच? दैट विल बी द 30 एम. 30 एम्पियर इज हियर. ओके, सो दिस इज गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एंड जस्ट बाय नोइंग द सम बेसिक थिंग्स वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, राइट? सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर PYQ नंबर 21 इज द ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. थैंक यू.